जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आगे से। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जो आज का हमारा व्लॉग है, मैंने इंस्टाग्राम देखा तो उसमें रील्स आया, तो उसमें एक लड़की ने किया, सीरीज से पूछती है कैसे वो एपी की टैनी कलर, तो उसको आगे बताती है कि ये वाला कलर ये वाला। अब हम लोग चार दफा सीरीज से पूछेंगे, सीरीज से कि चार दफा कौन सा कलर हम सिलेक्ट करें, जैसे सीवीपी के रंग कलर, वो कहती है पर्पल, तो पर्पल चार कलर तुमने ढूंढने हैं और हमने चार किस्म चार कलरों की अपनी ड्रेसिंग करनी। दाउदर मेरा चैलेंज है, कौन सा सही लगता है और किसके कलर सही आते हैं। अल्लाह करे पिंक आए दाउदर। यही सही है। चलो लेट्स गो, पहला स्टार्ट करते हैं। ओके, हे सीवी, पिक एनी रैंडम कलर। नेवी ब्लू। ओ दो कलर, ब्लू और नेवी ब्लू और ग्रे। हे सर्वी, पिक एनी रैंडम कलर। International Flying Blue. Blue, navy blue, फिर blue, blue, grey. International Flying Blue. वही blue आ रहे हैं देखो, navy blue से अंदर। Okay. अच्छा, चलो। अच्छा navy blue, grey और blue. यार blue blue. चलो देख लेते हैं क्या करते हैं। Last one. Hey Siri, pick any random color. Grey. ओ भाई भाई, ये चल देखते हैं। चलो अब क्या क्या करें। एक नेवी ब्लू, हाँ ऊपर आ रहा है आपके ऊपर आ रहा है, एक नेवी ब्लू, हाँ एक ग्रे, दूसरा ब्लू ब्लू, फिर ग्रे ब्लू और फिर ग्रे लाइट ग्रे लाइट ग्रे, चारों कलर आपके सामने ऊपर आ रहे हैं। अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। हे सीरी, पिक एनी रैंडम कलर। मूव। ये कौन सा कलर है? पर्पल। पर्पल। ओए यार। पिक एनी रैंडम कलर। पर्पल। ओके। पिक एनी रैंडम कलर। पीच। पीच। ब्राउन। पीच दिखाओ। बी। ओके ठीक हो गया। पिक एनी रैंडम कलर। वायलेट। कौन सा कलर है आपको बता रहा है? ब्लू। अब मेरे ख्याल से फोर हो गए हैं। तीन कलर याद है, ग्रे ब्लू इंडिगो। अब कौन कौन से हो गए? अच्छा मेरा ब्लू ग्रे, फिर नेवी ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर ग्रे नेशनल ब्लू लाइट ग्रे, ये उनके सामने स्क्रीन पे ऊपर आ गया। ठीक हो गया। और तेरा क्या था? मेरा पर्पल है और दूसरा भी पर्पल ही है। ओके तीसरा क्या था? ग्रे। तीसरा ग्रे था और इंडिगो। इंडिगो इंडिगो कौन सा था? इंडिगो पर्पल लाइट पर्पल था। चलो लेट्स गो। तंदन रुको जरा, सबर करो। ब्लू ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ठीक हो गया। इट्स नेवी ब्लू। हम इसको कुछ करेंगे अभी। ओके अच्छा जी, और क्या था? ग्रे। ग्रे नाइस। ये भी सही है। आज जुम्मे, आज जुम्मे की तैयारी भी हो जाएगी। हां दो का ग्रे और जी सर, हमें जो सीरी ने कलर कहा था, हमने कहा चलो जी कुछ ना कुछ तो तुका लगेगा। अच्छा जी, हमने किया है जी नेवी ब्लू, ओके ग्रे, ओहो ब्राउन ब्राउन,
ठीक हो गया, दो कलर हो गए। ओके अच्छा जी, अब हो गया क्या नाम है, ग्रे, ग्रे, और उसके बाद हम नेवी ब्लू, नेशनल ब्लू, वो ट्यूशन वाला, डन हो गए, गुड हो गए। ये भी सही है। और ये हमारा हुआ पाकिस्तानी सीरीज, पाकिस्तानी। अब जुम्मे की तैयारी भी होगी, जुम्मे का टाइम भी होगा, टाइम देखें, टाइम देखें। ओ भाई 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 भाई, हम जुम्मे अपने जाएंगे, ये शो है तो आगे मसाला होगा, लगता है शादी वगैरह का शो है। तो दाऊद ने क्या किया, मेरा ये ब्राउन है, ये पर्पल है, और ग्रे टोपी की थी क्योंकि उसका कलर अजीब सा था, और ग्रे सॉक्स है, गुड हो गया। तो अब्दुल्ला अपने रूम का टूर ही करा दे आज, सब कुछ निकाल दिया। कोई नहीं, जो भी है चला जा। ये मैंने बनाई है, करो ना, ये मैंने अपने, ये बेड ना खराब हो गया था। ओके इसकी ना ये पीछे वाली साइड ना स्टाइल खराब हो गई थी, तो ये गद्दा पड़ा हुआ था मेरे पास, एक ना पतला सा गद्दा जो हम गुलबर्ग में इस्तेमाल करते थे, तो फिर मैंने उसको काट के इतना लगा के लंडे से कपड़ा ला के, कपड़ा लंडे से लेके लाके 300 कपड़ा मुझे ही मिला ये। अच्छा, एक किस्म का पर्दा था, ठीक हो गया, कट पीस था ही पर्दा। तो मैंने भी सुबह कपड़ा लगा दिया, ये फिर भी टूटा हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर, मैंने कमरे की पूरी ब्लैक थीम रखी हुई है, बेडशीट ग्रे और ब्लैक थी, ये मैंने जैद से तैयार करवाए थे, ये शीट पड़ी हुई थी, ठीक है, मैंने साइड टेबल जो हमारी कैबिनेट वाली शीट है सेम वैसी, और ये मैंने लाइट्स लगाई थी यहाँ पे, जो सारे दोनों की लाइट्स ऐसे, ये दोनों खुद लगाई थी, हाँ ये खुद ही लगाई, ये मैंने, क्या बात है, क्या कहते हैं, जड़ी बूटी मारी थी, तो आज कनेक्शन अंदर से उस साइड से भी तक लेकर आए, अंडर 25 जबरदस्त। और सर इसकी बात तो बताया ना, इसको तो याद करवाया, तुर्की गए थे, आए हाय, जब प्रिंसेस आइलैंड से वापस आ रहे थे ना, ओए होए, हमने तब ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये याद है, हम लोग इधर खड़े होकर लिए, मैं दाऊद अली भी, और मैंने दाऊद तो काम पे, काम पे था, दाऊद काम पे था, घर पे था, नहीं घर पे था, ये नहीं घर पे था, तो हमने यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ली थी, और यहाँ ये बोर्ड, इस बोर्ड पे हम लोग पूरा प्रिंसेस आइलैंड घूम के आए थे, 2.5 घंटे की राइड थी, वो भी क्या, मैंने कुछ ऐसी शोज ये लगाई हुई है, फ्रेम लगाई हुई है, ब्रश शीट्स लगाई हुई है, ग्रे और ब्लू कलर के पड़ते हैं, और कभी कभार अगर कोई दोस्त कह दे कि कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें जरा कोई बता लिख दे, या फिर उसका कोई कुछ चीज कोई कह देना, टाइपिंग वगैरह दे देता है जब ज्यादा होता है, तो फिर मैं इस पे लिख लेता हूँ बैठ के, सही हो, क्योंकि वो मामा कहते हैं कि टांगे कमजोर होती है इस पे लैपटॉप रखने से, सही है, मैं इसको सेटअप अपना लेदर रखा हुआ, स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, साथ में चेयर रखी हुई है, नाइस, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, मसा हुआ जिसपे आप मेरी तस्वीरें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, ये मेरा वो टेबल है, ये मेरा अपना खुद शूज रैक बनाया है, दो मैंने एक एग्जॉस्ट का बनाया और एक मैंने बैटरी के डब्बे का बनाया, उसके बाद ना भी बस ना हमने नीचे बनाया था अपना वो क्या कहते हैं टीवी रैक बनाया था, तो उसकी शीट पड़ी हुई थी फुल लेंथ में, 8x2 की पड़ी हुई थी, तो मैं कहूँ ये पड़ी पड़ी जाया होनी चाहिए, गल भी गई है, मैं कहूँ ये पड़ी पड़ी खराब हो रही है, तो इसको कोई ना कोई इस्तेमाल में लेकर आए, क्योंकि हमारे पीस बच गया था, तो उसने कहा था पीस आपको बचा हुआ है तो आप ले जाओ, ऐसा ही है, तो अब ये ले आए, तो इसके अलावा ये एक पीस पड़ा हुआ था, ये वाला 2x2 का, मैंने कहा इसके आगे मैंने वो रखा हुआ टेबल, मैं कहूँ ये ना जी बड़ा लगता है इसके आगे टेबल, ऐसे रूम में आऊँ तो ऊपर से ये जैकेट थी तय करके रखता था, एक ही पहनते रहते थे, फिर वही पहनते रहते थे, चीज सामने हैंग हो गई ना तो बंदा बार बार पहन लेता, फिर मैंने दाऊद को बुला के ऊपर मैंने ये सारा खुद ही ठोक ठुका के करके ये करके, अब मेरे पास वो नहीं था रेलिंग नहीं था, तो फिर मैं रेली में गई, वो मसहरी वाला, मसहरी वाला ना उसका मैंने कटवा के जैसे मैंने ये ऐसे लगवा लिया, ये तूने खुद इसके पेज वगैरह लगाया सब कुछ खुद, ये वो इसमें पेज आराम से लग जाते हैं, अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने इसमें ऐसे रेलिंग लगा के इस तरह का फटी गई, उसके अलावा मैंने ये लाइट लगा ली, पापा ने मेरी थी अपने कोट्स वगैरह अपनी जैकेट हैंग कर दी, अब इन जैकेटों में ये 4 जैकेटें मैंने ऐसे हैंग की है, ये जैकेटें वो वाली जैकेटें जो इस मौसम में पहनी जाती है और बार बार पहन सकते हैं, दाऊद और मेरी और अली बेगी किस्म की प्रॉपर सारी ड्रेसिंग यहीं पे, और जो हुडीज वगैरह मैं पहनता हूँ मुझे सारी हुडी लगी हुई है और स्वेटशर्ट्स लगी हुई है, इसके अलावा कुछ ये शर्ट्स हैं जो न्यू ली थी अब तक पहनी नहीं, अब्दुल्ला तू अकेला है तेरी शादी नहीं हुई और तूने उधर मेरा है, तो यार इतने को प्रेस करके मैं कहता हूँ क्या बात है, ये होती है ना शादीशुदा लोग होते हैं उनकी ऐसी चीजें प्रेस होती हैं, इसके अलावा ये मेरी कुछ ये मेरी ग्रे मैरून ब्लैक फिर ये ग्रे न्यू सिलवाई फिर ये वाली फिर ये वाली ब्राउन फिर उसके अलावा ये वाली ब्लू है, ये शॉल है मेरे पास, एक ये है एक शॉल मैंने बाहर निकाल के रखी है और एक ये पहना हुआ है, दो ये कपड़े पड़े हैं, ट्राउजर्स भी बीच में है, इस तरह मैंने सारा कुछ बीच में मैनेज करके रखा हुआ है कि ऊपर ही और ऊपर ही, वो मेरा वॉशरूम है उधर जाके हम चेंज करते हैं, उधर ही नहा के नीचे जाके फ्रेश होके जाते हैं, अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अच्छा बात सुनते रहे, बात सुने, बात सुने, बात सुने, आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करके आपने दबाना है बेल आइकॉन, बेल आइकॉन दबाने के बाद आपने दबाना है लाइक, लाइक दबाने के बाद हमने शेयर पे जाना है और शेयर जाके अपने अपने स्टेटस लगाना है व्हाट्सएप, ताकि यार हमारी भी जरा कुछ हो सके ना, वीडियो बनाते रहते हैं चार्जिंग जाया होती रहती है, ऐसे नहीं होता यार। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तो बारी है हमारे सिनेमैटिक शॉट देखने का, लेट्स डू इट।